खोल दिया है। और इसी कड़ी में एसओजी ने भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल भरतपुर से गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर जगदीश सियाग ने पूछताछ के बाद कई राज खोले हैं। जगदीश सियाग ने बताया कि उसने किस तरह से नकल माफिया गैंग को 10 लाख रुपए देकर परीक्षा पास की और उसमें 23वीं रैंक हासिल की। जगदीश सियाग से अभी भी पूछताछ हो रही है, आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। वही अब पेपर नकल गैंग एसओजी की रडार पर आ गया है। तो देखिए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की यहां पर पूछताछ चल रही थी और उसके तार 2014 से जुड़े हुए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2014 की भी एसओजी अब जांच करेगी। चूंकि आपको बता दें कि उदयपुर एसपी दफ्तर से गिरफ्तार जगदीश ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए और उसने ये बात खुद कबूल की है कि 10 लाख रुपए में उसने पेपर खरीदा, नकल की और ना सिर्फ नकल की और उसी के आधार पर उसने 23वीं रैंक हासिल की। साथ ही 2015 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर भी अब साया मंडरा रहा है, नकल का माना जा रहा है, इसकी भी अब जांच एसओजी कर सकती है। तो कुल मिलाकर नकेल पर कसने के लगाम कसने के लिए यहां पर भजनलाल सरकार सख्त नजर आ रही है और एसओजी लगातार एक के बाद एक बड़ी पेपर लीक भर्ती परीक्षाओं की जांच को आगे बढ़ा रही है। नकल गैंग एसओजी की रडार पर आ गया है। शिकंजे में एसआई और इस एसआई जगदीश सियाग से कई पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और लगातार सुबह से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रुक करते विष्णु का, विष्णु देखिए जांच हो रही थी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की, लेकिन इसके तार तो 2014 से भी जुड़े हुए हैं। क्या अब तक खुलासे में सामने आया? देखिए थोड़ा मैं पीछे चलूंगा कि विधानसभा चुनाव जो हुए थे उनमें पेपर लीक कांड महत्वपूर्ण था और पेपर लीक के मुद्दे को मुख्य रूप से दोनों पार्टियों ने एजेंडे के रूप में लिया था। इसीलिए जब प्रदेश में नई भाजपा सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने सबसे पहले एसआईटी का गठन किया गया और उसमें कहा कि पेपर लीक माफिया तक पहुंचने के लिए, उनको सलाखों तक के पीछे पहुंचाने के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एडीजी वीके सिंह को सौंपी गई। और आखिरकार महज 2 महीनों के भीतर एसआईटी ने बेहतर काम करते हुए कई भर्ती परीक्षाओं को एक्सपोज किया, उनके नकल माफिया तक एसआईटी की टीम पहुंची। और इसी में कड़ी में जब जेईएन भर्ती परीक्षा के मामले में एसआईटी की टीम जांच कर रही थी, आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, तब नकल माफिया का सरगना जगदीश बिश्नोई भी जेईएन भर्ती परीक्षा के मामले में गिरफ्तार हुआ 29 फरवरी को। और उसके बाद जब पूछताछ आगे बढ़ी तो सामने आया सबसे पहले कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक हुआ था, जिसमें 14 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया एसआईटी की ओर से। और वहीं पर इसी पूरे मामले में ऐसे यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में जब जगदीश सिहाग को गिरफ्तार किया गया, भरतपुर से उसे लाया गया, तो पूछताछ में ये सामने आया कि जगदीश सिहाग भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2014 में नकल माफिया को 10 लाख रुपये दे करके और पेपर नकल किया था। ऐसे में 2021 के साथ साथ अब जब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2014 पर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि जगदीश सिहाग के मार्फत ये खुलासा हुआ है कि लाखों रुपए में पेपर का सौदा हुआ था, पेपर खरीदा गया था जिसके बाद नकल करके परीक्षा को पास किया गया था। लेकिन एसआईटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौखिक रूप से बयानों में ये बात तो सामने आ गई है, लेकिन टेक्निकली किस तरीके से वो इसी गैंग को इस सबूतों को कोर्ट के माध्यम से मजबूत तरीके से रखेगी ये देखना बाकी होगा। चूंकि फिलहाल पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन तकनीकी आधार पर और साक्ष्य क्या एसओजी कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ देगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एसओजी के लिए सामने। लेकिन आज सबसे अच्छी बात ये रही कि एसआईटी को जो जिम्मा सौंपा था, जिस उद्देश्य के साथ नई सरकार ने एसआईटी का गठन किया गया था, उसी लिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसआईटी की टीम को अपने सीएम आवास पर बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनकी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। इस टीम में का जो लीड जो कर रहे थे वो एडीजी वीके सिंह कर रहे थे, साथ में डीआईजी परेश देशमुख साथ में थे, एसपी योगेश दादी साथ में थे, एडिशनल एसपी राम सिंह शेखावत, तमाम जो अफसरों की टीम थी एसआईटी के, वो आज मुख्यमंत्री से मिलती है। मुख्यमंत्री ने उन सभी को शाबाशी दी, साथ में आने वाले उसकी पूरी जो पेपर लीक माफिया से अब तक जो पूछताछ हुई है, जो अब तक कार्रवाई एसआईटी की ओर से हुई है, उन तमाम
मुद्दों की समीक्षा विष्णु जाहिर तौर पर अप्रिसिएशन यहाँ पर बढ़ता है एसओजी के लिए, लेकिन 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 ये जो जांच है ये कार्रवाई तब अंजाम तक पहुंचेगी जब पेपर माफियाओं की रीढ़ टूट जाएगी। तो की देखिए आप एक के बाद एक नए खुलासे और ये तमाम भर्ती परीक्षा जो पेपर लीक हुए थे वो एक से एक जुड़े हुए कनेक्शन इसमें नजर आ रहा है। कहां जा रहा है देखिए, जेईएन भर्ती परीक्षा की जांच चल रही थी उससे 2021 एसआई भर्ती परीक्षा खुलासा हुआ, उससे 2014 का एसआई भर्ती परीक्षा खुला हुआ है। अब कहां तक ये जांच पहुंचेगी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब मुझे ये बताइए, चूंकि अगर हम एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की बात करते हैं इस पर भी एसआईटी लगातार जांच कर रही है, जो 14 एसआई ट्रेनी थे उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या खुलासे हुए, चूंकि उनके हस्ताक्षर लिए गए थे, उनसे ऐसे लिखवाया गया था ताकि मिलान किया जा सके कि उन्होंने ही पेपर दिया था या उनकी जगह डमी कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था, तो उसको लेकर क्या लीड निकलकर सामने आई है, क्या अपडेट? देखिए पूरे जो आप जो बात कर रहे हैं कि 14 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर इस समय एसओजी के रिमांड पर हैं, 6 दिन पहले उनको रिमांड लिया गया, तो उसके बाद 2 दिन पहले उनको वापस से 6 दिन की रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और वापस से 6 दिन के रिमांड पर लिया गया। तो इस मामले में चूंकि तथ्य बहुत मजबूत चाहिए, सबूत मजबूत चाहिए, इसी के लिए अब एसआईटी की टीम एफएसएल की टीम के साथ मिलकर काम कर रही है और एफएसएल की स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो कि इन सभी अभ्यर्थियों के, इन सभी ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स के हस्ताक्षर मिलान कर रही है जो उन्होंने परीक्षा के वक्त में दिए थे। इससे साफ हो पाएगा कि क्या डम्मी कैंडिडेट के जरिए ये जो असली अभ्यर्थी वो पास हुए थे, डम्मी कैंडिडेट यानी जो परीक्षा में बैठे हुए अभ्यर्थी वो, और उसके बाद जो असली अभ्यर्थी जो पकड़ में आ चुके हैं वो, उन सभी के हस्ताक्षर का मिलान किया जा रहा है, साथ में उनकी फोटो जो परीक्षा जो पहचान पत्र थे उनका मिलान किया जा रहा है। तो तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में एसओजी की टीम लगी हुई है, इसके लिए एफएसएल की टीम का स्पेशल गठन किया गया है। तो खास बात यही है कि सबूत जुटाने हैं एसआईटी की टीम को, इसलिए मजबूत साक्ष्य जुटाने हैं, उसी लिए एफएसएल की मदद भी ली जा रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि जब जगदीश विश्नोई पकड़ में आया, उसके अलावा यूनिक बाबू जो कि दुबई भाग चुका है, उनके जगदीश विश्नोई से ये खुलासा हुआ, साथ में एक ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर डालचंद मियां जब गिरफ्तार हुआ तो साफ हुआ कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर भी लीक हो चुका था और जयपुर के ही परीक्षा केंद्र रविंद्र बाल भारती स्कूल से उसको लीक किया गया था। साथ में यूनिक बाबू को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले ही एक कोठरी में छिपा दिया गया, जहां पर यूनिक बाबू ने अपने मोबाइल फोन से इन पेपरों की फोटो खींची और उसके बाद उसको जगदीश विश्नोई को मोबाइल के थ्रू भेजा और जगदीश विश्नोई ने अपने साइट हैंडलर्स यानी वो साइट हैंडलर जो अभ्यर्थियों से संपर्क में थे उनको परीक्षा का पेपर उनको परीक्षा से पहले सॉल्व करवाना था, तमाम जो साइट हैंडलर्स तक भी अभी एसआईटी की टीम को पहुंचना बाकी है। तो कई पढ़ते कई एग्जाम खुलासे हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछली सरकार के दौरान बात करूं या पिछले कुछ सालों में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई उन सभी में लगभग लगभग हर पेपर इन पेपर माफियाओं तक पहुंच चुका था, वो आउट। यही सवाल विष्णु कर रही है कि देखिए आप और हम लगातार पेपर लीक मामले में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, एक नए मास्टरमाइंड का यहाँ पर चेहरा सामने आता है, कभी जगदीश विश्नोई की बात होती है, उससे पहले सुरेश ढाका की बात हो चुकी है, यूनिक भावू एक नया चेहरा सामने निकल कर आया, लेकिन आप ये देखिए ये जो चेहरे हैं ये आज से नहीं जुड़े हुए, 2005 से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी इस क्षेत्र में बड़ी पकड़ बना ली है। अब जो जगदीश याग से पूछताछ हुई है उसने बताया कि 10 लाख रुपए मैंने दे दिए थे पेपर माफियाओं को, नकल मैंने की, किसको दिए थे क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है, कौन वो चेहरा है, कौन वो मास्टरमाइंड इस पूरे पेपर लीक के पीछे? देखिए बिल्कुल, जब हमने एडीजी वीके सिंह से 2 दिन पहले बात की थी, आज भी बात की थी, तो उनका कहना है कि बहुत सी चीजें एसओजी एसआईटी के पास में है, लेकिन वो चूंकि आरोपी को अभी तक पकड़ा जाना बाकी है, ऐसे में मीडिया के साथ बहुत कुछ वे अभी साझा नहीं कर सकते। जो जो कार्रवाई आगे बढ़ेगी या फिर जैसे जैसे गैंग एक्सपोज होगी, गिरफ्तारियां होगी, उसके साथ साथ ही मीडिया को बहुत कुछ बताया भी जाएगा, लेकिन चूंकि पूरा मामला काफी संवेदनशील है ऐसे में मीडिया के साथ बहुत जानकारी साझा नहीं कर सकते। लेकिन बात आ रही है जगदीश सिहाग की, और ये भी बात साफ हो चुकी है कि 10 लाख रुपए में नकल की थी, 10 लाख रुपए दिए गए थे, पेपर हासिल किया गया था। ठीक है विष्णु, जाहिर तौर पर बिग एक्सपोज यहाँ पर हुआ है 2014 एसआई भर्ती परीक्षा का, जगदीश सियाग जो कि एक बड़ी लीड माना जा रहा है, बड़े खुलासे वो कर रहा है, अब देखना होगा आगे क्या इसमें और परतें खुलती हैं। विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, इस बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल से मिले हैं एसओजी के अधिकारी और मुख्यमंत्री ने एसओजी की टीम को बधाई दी है, नकल
हीरो पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री ने बधाई दी। एडीजी वीके सिंह समेत अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। डीजीपी यूआर साहू भी रहे हैं मौजूद और ये पीठ थपथपाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से, जो कि बिग एक्सपोज जो यहां पर किया गया है। एसओजी जिस तरीके से नकल माफियाओं को रडार पर ले रही है, जो सख्ती दिखा रही है, इससे यहां पर मुख्यमंत्री भी खुश नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने एसओजी की पूरी की टीम को बधाई दी और नकल गिरोह पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी गई। एडीजी वीके सिंह जो सारो दारोमदार उनके जिम्मेदार कंधों पर है, जाहिर तौर पर वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। बड़े अधिकारी